हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दिल्ली में इस वक्त काफ़ी जो है क्रूशियल टाइम चल रहा है। क्रूशियल टाइम मतलब कि थोड़ा सा विवाद वाद विवाद कुछ ज़्यादा बड़े हुए हैं दिल्ली में। भाई बहुत से फेमस लोग आ गए हैं हमारे आपकी तरह, तो थोड़ा सा वाद विवाद। चलिए कोई बात नहीं, इस चीज़ का भी अपना अलग मज़ा है। इसी बहाने बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो गई है, कई ऑफिसेज के पास जहाँ वाद विवाद चल रहा है वहाँ से ऑफिसेज से भी भगा दिया गया है लोगों को, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ज़्यादा खुश मत होइए, बस ये कहूँगी कि अपनी डेली एसेंशियल जो चीज़ें हैं, दूध, ब्रेड, थोड़ा बहुत अनाज, या बच्चे हैं अगर आपके घर में तो बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एसेंशियल होती हैं, दवाइयाँ वगैरह जो भी हैं, इन्हें स्टोर करके रखिए। कब क्या हो जाए यू नेवर नो, बट डरा नहीं रही हूँ। ये मुझे भी अभी अभी टिप मिली है इसलिए मैं आपके साथ बस शेयर कर रही हूँ। सो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे पास वीडियो में आज के लिए बात करने के लिए क्या है। सो क्या है जी, हमारे पास है, जैसे मैंने आपको पिछली बार अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम जैसे शॉर्ट ट्रिप्स वगैरह के लिए जाते हैं, अभी बच्चों की विंटर ब्रेक होने वाली है तो कई पेरेंट्स ने, कई लोगों ने अपने छोटे मोटे ट्रिप्स वगैरह कुछ प्लान किए होंगे। सो उस ट्रिप्स में आप अपना सामान कैसे ले जाएं, क्या करें, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या असेंशियल होता है, बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या चीज़ें रखनी ज़रूरी हैं, सो एवरीथिंग। वैसे तो सबको पता है कि पैकिंग कैसे होती है, मैं उनके लिए नहीं जो मतलब बहुत अच्छी पैकिंग करते हैं, मैं उनके लिए नहीं कहूँगी ये चीज़ें, बट हाँ कई बिगनर्स भी होते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स का था एक टाइम के बाद, मेरे पापा का ये था कि भाई मैं तुम्हारे बैग्स पैक नहीं करूँगा, यू शुड लर्न हाउ टू पैक। सो हमने भी सीखा था धीरे धीरे। वैसे ही आज के भी कोई कोई बच्चे होंगे, कोई कोई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि भाई हमारे बच्चे हर चीज़ में एक्सेल करें। सो सिमिलरली, तो आज मैं लेकर आई हूँ पैकिंग से रिलेटेड वीडियो। तो पैकिंग हम कैसे करें, अपनी क्या क्या चीज़ें ले जाने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्या जॉट डाउन करनी चाहिए चीज़ें। सो जब आप अपना बैग पैक करें, सो बैग पैक करना इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग। आपको पता है कि आपकी ट्रिप किस दिन की प्लान्ड है, उसमें सबसे पहली चीज जो आप करें, आप ये करें कि लिस्ट बनाएं। इस तरीके से अपना छोटा सा एक मेमो ले लें, उसमें आप अपनी लिस्ट बना लें इस तरीके से, सुबह से रात तक में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी एक लिस्ट बना लें आप। जैसे कि सुबह उठेंगे तो आपको टूथब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, फेस वॉश चाहिए, मॉइस्चराइजर चाहिए एंड वॉट नॉट, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। क्योंकि जब आप घर से बाहर जाते हैं, आप अच्छे से अच्छे होटल्स में रुकते होंगे, आप अच्छे से अच्छी चीज़ें अपने लिए बुक करते होंगे, मे बी जैसे आजकल MMT वगैरह जो है विलास दे रहे हैं, अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। सो फिर भी वो जगह एक आउटिंग ही है, आपका आउट पॉइंट ही है, आपका घर नहीं है। सो उसमें आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होंगी जो आपके घर में, आपकी रीच के अंदर, आपके हाथों के अंदर रहती हैं। सो उन उप्स मूमेंट अपने लिए, जब आप बाहर जाते हैं तो वो किसी और के लिए उप्स मूमेंट नहीं, बट आपके लिए अपने लिए कि अरे यार मैं ये चीज़ भूल गई, ये चीज़ रख लेनी चाहिए थी, वो चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले अपनी असेंशियल, अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए चीज़ों को लिस्टिंग कीजिए। वो सबसे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें यह होता है कि भाई पैकिंग करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो भी बड़े ही अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं यार शाम में निकलना है ना, सुबह पैकिंग हो जाएगी, अभी से क्या करना है, ये हमारी पैकिंग कौन सी इतनी ज़्यादा होती है। कई ऐसे भी होते हैं, कई होते हैं मेरी तरह, इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी ट्रिप को लेकर के कि एक महीने बाद की ट्रिप होती है ना, इसलिए एक महीने पहले से शॉपिंग करना, पैकिंग करना एक महीने पहले से सब शुरू हो जाता है। सो और कुछ होते हैं कि भाई ये भी रख लूँ पता नहीं कहाँ काम आ जाए, ये भी रख लूँ पता नहीं ज़रूरत है नहीं है, सब एक्स्ट्रास भरते जाते हैं। सो इन सारी ही चीज़ों से बचने के लिए आप सबसे पहले लिस्टिंग करें। लिस्टिंग करने के बाद ये देखें कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ें कैरी कीजिए। इफ़ यू आर फ्लाइंग, मतलब इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ फ्लाइट, तो उसमें आपको लिमिटेशंस होती हैं, 15 kg से ऊपर अलाउड नहीं होता है, और कई कई जगह पर कई कई फ्लाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको केबिन में ही लगेज लेना अलाउड होता है, बैगेज ड्रॉप अलाउड नहीं होता है। क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये चीज़,
एंड आई होप अगर आप कोई फ्री आप में से कोई अगर फ्रीक्वेंट फ्लायर है तो ये चीज़ें यू माइट हैव केम अक्रॉस कि हाँ ऐसा होता है कि सिर्फ केबिन लगेज अलाउड नहीं होता है और बैगेज ड्रॉप अलाउड नहीं होता है. सो उन सारी चीज़ों को अपनी टिकट पे पहले ही चेक कर लीजिए कि कैसे है, क्या रिक्वायरमेंट्स है. ठीक है, तो ये है कि आप अपना सामान जो है अकॉर्डिंगली पैक कीजिए ताकि आपको जाके एयरलाइंस वालों को मुफ्त की पेनल्टी ना भरनी पड़े. सेकेंड चीज़ है, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन तो आप थोड़ा सा लगेज अपना बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं कि एक बैग की जगह 6 बैग कर लेते हैं और उसके बाद होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है उनके साथ कि आफ्टरऑल नीचे आपके बैग्स जो स्टोरेज करने के लिए आपकी बर्थ के नीचे जगह होती है वो तो इक्वली होती है. अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों के बैग उसी के नीचे जाने, आप अकेले होकर 6 बैग लेके जाओगे तो दिस इज वेरी क्रूअल ऑन योर पार्ट कि यार ट्रेन से जा रहे हैं तो कितना भी ले जाएंगे. नहीं भाई, उन 5 लोगों को भी अपना लगेज वहीं एडजस्ट करना है. सो थोड़ा सा रैशनली सोचिए, थोड़ा सा ह्यूमैनिटिकली सोचिए कि हाँ यार मतलब अपनी चीज़ों को समेट करके किस तरीके से ले जा सकते हैं. अपने कन्वेंस से जा रहे हैं तो भैया आपका सारा घर उठा के ले जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा बिकॉज नो वन एल्स इज ट्रैवलिंग विथ यू. तो अपने कन्वेंस से जा रहे हैं अगर आप, तो वॉट यू कैन डू इज अगर आप ट्रेन से भी जा रहे हैं, क्योंकि एयरलाइंस में तो पानी की बॉटल वगैरह ये सारी चीज़ें लेना आपका अलाउड नहीं है. ट्रेन से जा रहे हैं तो अगर आपको बॉटल्स वगैरह प्रोवाइडेड है, आपका मील प्रोवाइडेड है, देन इट इज़ ओके. बट अगर जैसे कुछ ट्रेन होती हैं जिसमें मील वगैरह प्रोवाइडेड नहीं होता, बॉटल्स आपको खरीदनी पड़ती हैं, तो उन सब चीज़ों से बेटर है कि आप अपने घर से लेकर जाइए. बट कई लोग होते हैं कि यार पैसे दे देंगे, कितने की है, 15 रुपये की तो बॉटल है. ठीक है, 15 रुपये की बॉटल है, बट आपको वो पता नहीं है कि वो बॉटल में पानी कहाँ से भरा गया है. सो इससे बेटर है कि जो पानी आप डेली पीते हैं, जो यूज़ करते हैं, वो ले जाइए. जैसे मैं जाती हूँ, सो मेजरली व्हेन आई ट्रैवल टू लखनऊ, मेरे ससुराल जाती हूँ, या फिर मैं मथुरा तक जाती हूँ, जयपुर तक घूमने जाती हूँ. सो जो भी अगर मेरे नियर बाय डेस्टिनेशंस होते हैं तो वी प्रिफर हम अपनी ओन कन्वेंस से जाते हैं, हम अपनी गाड़ी ले जाते हैं. सो उसमें ये होता है कि मैं अपनी मर्जी का सारा सामान भर के ले जाती हूँ. मैं कूल केक भी ले जाती हूँ, उसमें पूरा अपना पानी वानी भर के सब कुछ चीज़ें करके सब कुछ मैं अपना लेकर जाती हूँ. तो पानी भाई ऐसी चीज़ है जो मिलता तो हर जगह है लेकिन आपको उस पानी की क्वालिटी पता नहीं है. सो मैं पानी को लेकर के थोड़ी सी ज़्यादा पॉजेसिव हूँ, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड कर दिया आप लोगों के लिए. बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो पानी ज़रूर रखिए, क्योंकि बच्चों का पेट बहुत ही सेंसिटिव होता है, कहाँ का पानी, कौन सा पानी उनको कैसे रिएक्ट कर जाए आप नहीं कह सकते. इसलिए बच्चों के साथ जब भी ट्रैवल कर रहे हैं उनकी एसेंशियल मेडिसिन और उनका पानी हमेशा अपने साथ रखिए. उसके बाद आती है बैग की बात, तो बैग देखते हैं बैग कैसा ले जाना चाहिए हमें. बैग कोशिश कीजिए, अगर आप कम दिनों के लिए जा रहे हैं तो छोटा वाला बैग जो होता है, जो आपका केबिन लगेज में आता है, वो बैग आप यूज़ कीजिए. और उसके अलावा उसमें ऐसे ऊपर कुछ ऐसे ड्रॉर्स इस तरह के हो तो बहुत बेटर है, इसमें आप अपनी एसेंशियल चीज़ें रख सकते हैं. ऊपर से ऐसे खुलने वाले होते हैं जिसमें आप अपने यूज कपड़े पीछे की तरफ कर सकते हैं ताकि नए जो साफ कपड़े हैं उनके साथ यूज कपड़ों की स्मेल ना आए, तो ये कर सकते हैं. इस तरह का बैग होता है, बैग तो बहुत तरह के होते हैं बट इस तरह का बैग मैं यूज करती हूँ. उसके बाद जो चीज़ें हैं, ऐसे छोटे से जिपर पाउचेस आते हैं इस तरह के छोटे से जिपर पाउचेस होते हैं. इसको आप यूज कर सकते हैं सबसे पहले अपनी टॉयलेटरीज के लिए, आपका टूथब्रश हो गया, आपका टूथपेस्ट, फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइजर, इन सब चीज़ों को आप इसमें भर सकते हैं. आप अपने आपके हस्बैंड और आप दोनों अगर ट्रैवल कर रहे हैं, उनका शेविंग किट, अगर वो कई लोग होते हैं जो अल्टरनेट डे पे शेव करते हैं, कई लोग होते हैं जो डेली शेव करते हैं, सो उन सब चीज़ों के लिए ये एक बेस्ट चीज़ होती है. प्लस आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं मेक श्योर शैम्पू की बॉटल या शैम्पू स्ट्रिप्स यूज़ कीजिए, क्योंकि शैम्पू स्ट्रिप्स जो है वो कम जगह लेती हैं, इसलिए शैम्पू की स्ट्रिप्स यूज़ कीजिए, बॉटल मत यूज़ कीजिए. फेस वॉश और टूथपेस्ट, उसके बाद जो आपके शेविंग असेंशियल्स होते हैं तो इनको सुखा करके ही इनके अंदर स्टोर कीजिए, क्योंकि गीली चीज़ रखने में ठीक है गीलापन रहता है, गंदा लगता है, वो बात अलग है, बट उसके अलावा वो बहुत ही इन्फेक्टेड हो जाती हैं चीज़ें. सो सुखा करके अच्छे से जो टॉवल्स वगैरह होते हैं उनसे पोंछ करके तब फिर आप इनमें इसको स्टोर कीजिए.
टूथब्रश वगैरह। उसके अलावा इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, छोटे से प्लास्टिक के होते हैं ये। इसमें आपके अगर फ्लाइट से या ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्लाइट की टिकट्स, ट्रेन की टिकट्स, आपके होटल बुकिंग्स की चीज़ें उनकी, क्योंकि कई बार होता है कि हम मल्टीपल डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल करते हैं, मल्टीपल होटल्स बुक करते हैं। वैसे तो आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, बट कई जगह अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहते हैं, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रहने वाले लोगों में से हैं, हर चीज़ एज अ प्रिंटेड प्रूफ लेके आप ट्रैवल करते हैं, तो दिस थिंग इज अ मस्ट थिंग इन योर बैकपैक, ये ज़रूर होना चाहिए। प्लस आपके आईडीज रखना मत भूलिएगा, क्योंकि आईडीज आजकल सब जगह चाहिए होते हैं। फिर फॉर लेडीज इस तरह के मेकअप पाउचेस आते हैं, इस तरह के मेकअप पाउचेस होते हैं, इसमें ऐसे पूरे ब्लॉक्स बने हुए हैं टू कीप एवरीथिंग इन प्लेस। सो इसको अपना, आपका जो भी मेकअप एसेंशियल, चाहे जो भी आप कैरी कर रहे हैं, आपकी कोम तक भी आप इसके अंदर अच्छे से पैक कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें जब एक जगह पर होती हैं तो उसे ढूंढना भी आसान होता है और वापस प्लेस करना भी, और उसी के अलावा ये जगह भी कम लेते हैं। फिर आती है फीमेल्स के लिए, उनके जो अंडरगार्मेंट्स होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, उसके लिए आप इसी तरह का ऑर्गेनाइजर, जो प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर आते हैं, इसी तरह के आप यूज कीजिए। इसी के अंदर सारे आपके अंडरगार्मेंट्स वगैरह अच्छे से फोल्ड करके, या चाहे इसे थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, इसी में सारे अंडरगार्मेंट्स आपके फोल्ड करके डालिए, आपके सैनिटरी नैपकिन्स इसमें रखिए आप। तो ये है कि भाई किसी के सामने अगर निकालेंगे भी तो चीज़ खराब नहीं लगती है निकलती है, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है वो लोग प्लास्टिक में कैरी करते हैं। यार प्लास्टिक में मत कैरी करो, क्योंकि प्लास्टिक का कोई भरोसा नहीं है, कभी अगर उल्टे तरफ से निकल गई प्लास्टिक तो सारी चीज़ें उसमें से बाहर आ जाएंगी। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय मतलब लाइक विथ योर रिलेटिव्स या फिर एक बड़े फ्रेंड ग्रुप के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस मोमेंट में आप एम्बैरस ना हो, वो एम्बैरसमेंट को बचाने के लिए इस तरह की चीज आप लीजिए, जिसमें आपकी अंडरगार्मेंट्स और सैनिटरी नैपकिन आप इसमें आराम से ले जा सकते हैं, किसी को दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ऊपर से ये इसमें ऐसी तरह की डिजाइंस वगैरह होती हैं और ये पूरा ऐसे सील कवर टाइप होता है, तो इसमें से कुछ नहीं दिखता। मैं इसमें लेके ट्रैवल करती हूँ। उसके अलावा फिर आपकी स्लीपर्स होती हैं, आपकी नाइट सूट्स होते हैं, कपड़े वपड़े तो सब कुछ आप डालते ही हैं, सब कुछ सोच समझ के। उसके अलावा जो बोनस चीजें होती हैं जो हमें लेनी चाहिए, विच आर शेड्स, मुझे बहुत पसंद है शेड्स। उसके बाद परफ्यूम फॉर गर्ल्स, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रबर बैंड्स, डॉडल्स होना जरूरी है आपके पास। इसके अलावा आपके पर्स में जो चीजें हैंडी होनी चाहिए, दोज आर दीज काइंड ऑफ मिनी टिश्यू, पॉकेट टिश्यूज। उसके बाद आपका होता है हैंड सैनिटाइजर। ये चीजें तो हो गई हमारे से रिलेटेड। बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मौसम का ध्यान जरूर रखिए। वैसे तो माओं को ये चीज बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मदर्स आर द बेस्ट पर्सन टू टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड, बट वेदर का ध्यान जरूर रखिए। अगर जहां आप जा रहे हैं वहां पे वेदर चेक कर लीजिए, अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं वहां पर या कोई जान पहचान के लोग हैं तो उनके साथ एक बार वहां का वेदर क्रॉस चेक कर लीजिए कि वेदर कैसा है, क्या है, बिकॉज कई जगह ऐसा भी होता है कि दिन बहुत अच्छे होते हैं, जैसे बॉम्बे में है अभी, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ सुबह में काफ़ी ठंडा रहता है लेकिन बाकी ऑल डे इज़ वेरी गुड। बैंगलोर में है सुबह शाम की ठंड है, बाकी पूरे दिन अच्छी धूप रहती है। एक दिल्ली है जहां हम कांप रहे हैं, बस मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो। सो वेदर चेक कर लीजिए, बच्चों की दवाइयां चेक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई हम दूर जा रहे हैं कहीं और वहां पे वेदर इफेक्ट कर सकता है बच्चे को, तो आप जाने से पहले पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलके जाइए। अगर कोई दवाई आपको लगता है कि ऐसी दवाई की जरूरत पड़ सकती है वहां, तो उनसे प्रिस्क्राइब करवा के वो दवाई जरूर ले लीजिए। और अगर आपके पास मतलब आपका बेबी छोटा है, आप बॉटल से, दूध की बॉटल से फीड करते हैं उसे, तो उसकी बॉटल्स, मल्टीपल बॉटल्स रखिए, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो उनको वॉश करने के लिए हमें जगह नहीं मिलती है, स्टरलाइज करने के लिए उनको जगह नहीं मिलती है। हमें 2-3-4 बॉटल्स अपनी दूरी को देखते हुए उतनी बॉटल्स रखिए। गर्म पानी का फ्लास्क अपने पास ज़रूर रखिए और मिल्क पाउडर वगैरह जो भी आपका बेबी बैग में आपका सब कुछ रहेगा ही, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ नैपकिन, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें ज़रूर रखिए, क्योंकि ट्रेन में तो आप बच्चे का फिर भी चेंज कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे मदर केयर रूम्स अलग से होते हैं, आप वहां जाके बेबी के लिए सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ अरेंज कर सकते हैं वहां पर।
चेंज कर सकते हैं। अपनी गाड़ी है तब तो कोई चिंता ही नहीं है, कहीं भी रोको, दरवाजे खोलो, बच्चे को चेंज कर लो। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखिए, ज़रूर अपने साथ ये सारी चीज़ें कैरी कीजिए, बच्चों से रिलेटेड, अपने लिए भी, अपनी जो भी मेडिसिन आपकी हैं उन्हें आप डेली केयर मेडिसिन जो हम बोलते हैं, अपना एक फर्स्ट एड किट ज़रूर रखिए, जिसमें कि बैंडेज और कुछ डेटॉल या सेवलॉन, थोड़े से कॉटन बॉल्स या कॉटन जैसे स्ट्रिप करके उसको कट करके छोटे छोटे पीसेज में कॉटन ज़रूर रखिए अपने साथ, बैंडेज रखिए, और प्लस आपकी जो मेडिसिन हैं स्टमक एक के लिए, हेडेक के लिए, ऐसी जो भी मेडिसिन आपको ज़रूरी लगती है लूज मोशन वगैरह के लिए, क्योंकि कई लोगों का पेट बहुत हल्का होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कहीं अलग जगह का पानी नहीं बर्दाश्त कर पाता है, तो उनको लूज मोशन लगने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अपने डॉक्टर से पूछ के अच्छी मेडिसिन जो भी हो, जो आप लेते हो, वो अपने साथ ज़रूर रखिए। पुदीन हरा की बॉटल ज़रूर रखिए या टैबलेट ज़रूर 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 रखिए, क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है, कभी भी ठंड लग सकती है, कभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। प्लस आपके अपनी केयर के लिए स्वेटर, शॉल, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स, कैप्स, ये सब होना मस्ट है। प्लस अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें एक पिलो, अगर आप दो ही जन ट्रैवल कर रहे हैं तभी रखिएगा ये सारी चीज़ें, एक पिलो और एक बेडशीट ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर एक आप और आपके हस्बैंड दोनों ड्राइव करना जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, दोनों अगर ड्राइव करना जानते हैं तो कोई एक थक के रेस्ट भी कर सकता है, तो उसके लिए पिलो और एक बेडशीट ज़रूर रखिए, और एक्स्ट्रा एक मोटी शॉल या जो जेंट्स वाली आती है उसे क्या लोई बोलते हैं या चादर बोलते हैं, जो भी है, एक वो भी ज़रूर रखिए, अगर आप डे नाइट ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत काम में आती हैं। सो ये थी छोटी मोटी सी पैकिंग टिप्स मेरी आपके साथ। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ या कुछ और भी है जो मुझे ध्यान रखना चाहिए, मुझे ले जाना चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं घूमने जा रही हूँ, एंड इस बार मैंने अभी तक अपनी पैकिंग शुरू नहीं की है। नेक्स्ट वीक मैं जा रही हूँ मथुरा, मैं घूमने जा रही हूँ, और सेल्फी स्टिक, दैट इज़ मस्ट, सेल्फी स्टिक ज़रूर कैरी कीजिए अपने साथ, तो ताकि आप किसी भी अच्छे मोमेंट को कैप्चर करना ना भूलें, तो सेल्फी स्टिक ज़रूर रखिए, फ़ोन चार्जर, बैटरी बैंक, सब कुछ रखिए, अच्छी अच्छी फोटोज़ खींचिए, सब कुछ कीजिए अपने लिए। कीप योर सेल्फ हैप्पी, एन्जॉय द मोमेंट वेर एवर यू आर गोइंग, एन्जॉय द प्लेस, एन्जॉय द वेदर, एन्जॉय द फूड, सबसे बड़ी बात है फूड, भैया हमारी गाड़ी तो खाने पे रुकती और कहीं नहीं रुकती। सो दिस वॉज माई पैकिंग टिप्स विथ यू, सो आई जस्ट टेक अ लीव नाउ, और कई चीज़ें अगर मैं भूल रही हूँ, कई चीज़ें और मुझे ऐड करनी चाहिए, मेरी पैकिंग को इम्प्रूव करना चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। न्यूज़पेपर अपने साथ ज़रूर रखिएगा, एक प्लास्टिक बैग अपने साथ ज़रूर रखिएगा, अगर आप ट्रैवल सिकनेस है आपको, अगर वॉमिट आती है, तो लोगों के सामने उल्टी मत कीजिए, आप पॉलीथिन बैग के अंदर उल्टी कीजिए, उसे फिर बाद में डंप कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगी जल्दी ही, और मथुरा का रोड ट्रिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज वी आर गोइंग बाय आवर ओन व्हीकल, तो मथुरा के लिए हम नोएडा से मथुरा कैसे पहुंचते हैं, क्या फूड जॉइंट है, क्या आपके पास वहां पे स्टॉप पॉइंट्स है, कहाँ खा सकते हैं, और क्या 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 पॉइंट्स हैं, एसेंशियल पॉइंट्स, कितने टोल आते हैं, कितना टोल मनी है, क्या है, मैं ये सारा कुछ आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, बट वो वीडियो मैं तुरंत शेयर नहीं कर पाऊंगी, सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अपने लवली कमेंट्स से हमारा कमेंट बॉक्स जरूर भरते रहिए, आपसे सीखना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।